आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। पंजाब में प्रदर्शन के दौरान किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज रीवा संगठन द्वारा जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया है कि पंजाब में प्रदर्शन के दौरान किसानों के ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से किसान प्रीतम सिंह की मौत हो गई तथा सैकड़ों किसान घायल है। वहीं 40 किसान नेताओं को पुलिस आंदोलन से पहले ही घर से गिरफ्तार कर लिया था और किसानों के ऊपर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा संभाग इकाई रीवा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन आज कलेक्टर रीवा को प्रदर्शन के माध्यम से सौंप कर विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन मोर्चे के नेता मीसाबंदी बृहस्पति सिंह, रामजीत सिंह, जिला पंचायत सदस्य लालमय त्रिपाठी, यदुवंश प्रताप सिंह, इंद्रजीत सिंह, शंखु मिथिला सिंह, संजय निगम, शोभनाथ कुशवाहा, ब्रजेंद्र सिंह, केपी यादव, सुग्रीव सिंह, नागेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, प्रदीप बंसल, राजा बंसल, भगवान दास बंसल आदि उपस्थित रहे हैं। पंजाब में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज और एक किसान की हत्या तथा तमाम मुकदमे जो सरकार ने आम आदमी पार्टी की भगवत मान सरकार ने दर्ज किया है, उसके विरोध में रीवा संयुक्त किसान मोर्चा ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर रीवा को सौंप कर चेतावनी दी है कि तत्काल जो है इस तरह की हरकत सरकार ने जिस तरह से किया है वो बर्दाश्त के बाहर है और तत्काल सरकार मुकदमे वापस ले और तमाम जो मांगे हैं उनको पूरी करे।